यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के साथ ही काशी और मथुरा का जिक्र किया। योगी ने विधानसभा में बुधवार को इन तीनों स्थलों का एजेंडा सामने रखा। योगी ने कहा कि ऐसा पहली बार देखने को मिला कि लोक आस्था के लिए भी बहुसंख्यक समाज को गिड़गिड़ाना पड़ा। अब नंदी बाबा ने कहा कि हम क्यों इंतजार करें, उन्होंने रात में बैरिकेडिंग तोड़वा दी। योगी ने कहा कि जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से पांडवों के लिए 5 गांव मांगे थे, उसी तरह हमने यहां केवल 3 स्थल अयोध्या मथुरा काशी की बात की थी। योगी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि तब भी दुर्योधन ने कहा था कि सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा, तो महाभारत तो होना ही था। वोट बैंक के लिए हमारी संस्कृति व्यवस्था को रौंदने वाले आक्रांताओं का महिमा मंडन किया गया, जिसे अब देश स्वीकार नहीं करेगा। योगी के इस बयान राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। सपा के ओर से इस पर प्रतिक्रिया आई है। सपा सांसद एसटी हसन ने कहा कि बाबरी मस्जिद का मामला सुप्रीम कोर्ट ने उलझा दिया। अब ज्ञानवापी मथुरा, ताजमहल, कुतुब मीनार है, 3000 मस्जिदें निशाने पर है, ये सिलसिला कहां जाकर रुकेगा। सपा सांसद ने आगे कहा कि चुनाव सिर पर है, वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है, सरकार के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, सभी लोग साथ रह रहे हैं, आज ये क्यों हो रहा है, क्या इन लोगों को एहसास नहीं कि इन चीजों से देश कितना कमजोर होगा, देश के अंदर अच्छा माहौल होना चाहिए।